नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स अनप्लग चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सबसे रोचक और चकाने वाले तथ्य। आज का वीडियो 2024 में घटित हुई सबसे विचित्र और अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन अद्वितीय घटनाओं के बारे में। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो 2024 में घटित हुई हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज अंटार्कटिका में विशाल बर्फ का टूटना। 2024 में अंटार्कटिका में एक विशाल बर्फ का टुकड़ा टूटकर समुद्र में गिर गया। ये टुकड़ा लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर का था और इसे टूटने में केवल कुछ ही घंटे। ये घटना जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। जी हाँ, हैरान रह गए ना। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सेकेंड वन इज सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी। जी हाँ, आपने सही सुना, रेगिस्तान में बर्फबारी हुई, जो एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। सहारा का रेगुलर तापमान बहुत ही अधिक होता है, लेकिन इस बार वहाँ पे बर्फबारी ने सबको चौंका दिया। थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया में चमकता समुद्र। जी, ऑस्ट्रेलिया के तट पर 2024 में रात के समय समुद्र को चमकते हुए देखा गया। ये घटना समुद्री जीवों की बायोल्यूमिनेसेंस के कारण हुई, जो रात के अंधेरे में नीले रंग की रोशनी बिखेरते हैं। समुद्र में ये ब्लू कलर की चमकती हुई लहरें वाकई में देखने लायक थी। नंबर फोर, हिमालय में अचानक हरियाली। जी हाँ, 2024 में हिमालय के कुछ क्षेत्रों में अचानक हरियाली फैल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वर्षा का परिणाम था। नंबर फाइव, हवाई में सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट। 2024 में हवाई में ज्वालामुखी के एक बड़ा विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने चारों ओर लावा फैला दिया और कई निवासियों को अपने घर खाली करने पड़े। ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। क्या आपको इसके बारे में पता था? नंबर सिक्स इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट में विशाल बाढ़। 2024 में अमेजोन जंगलों में एक विशाल बाढ़ आई, जिससे कई हेक्टेयर जंगल को जलमग्न कर दिया था। ये बाढ़ अत्यधिक बारिश के कारण आई है और इससे बहुत ही नुकसान हुआ है। अमेजोन की ये बाढ़ वाकई में विनाशकारी थी। तो दोस्तों, ये थे 2024 में घटित हुए सबसे विचित्र और अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना